सो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 गैजेट जो कि आप ले सकते हैं 500 के अंदर। गाइज ये जो गैजेट्स है पूरी वो टोटली वर्थ करती हैं प्राइस, एंड साथ ही साथ में गाइज ये काफी ज्यादा यूजफुल काफी ज्यादा यूनिक गैजेट्स है जो कि आपको 500 के अंदर मिलने वाली है, एंड अगर आप इसे खरीदते हैं तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। सो हे गाइज मैं अगर आप देख रहे गैजेट आज करूँ मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 गैजेट अंडर 500। गाइज चलो करते हैं शुरू। सो गाइज फर्स्ट गैजेट जो है हमारी लिस्ट में वो है गाइज वो आता है एक साइकिल का स्पीडोमीटर। गाइज बाइक में स्पीडोमीटर आपने सब में देखा होगा, बाइक में जो स्पीडोमीटर जो कि आपकी स्पीड बताता है कि आपने कितना ट्रैवल किया, ओडोमीटर भी रहता है जो कि बताता है आपने कितना ट्रैवल किया, लेकिन गाइज साइकिल में ऐसा कोई फीचर नहीं होता। गाइज साइकिल के लिए आप जो है आप ये इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी इसे किस तरह से इंस्टॉल करना है, और ये आपकी कांस्टेंट स्पीड बताता है साइकिल में कि आपको कैसे यूज़ कितने आपने ट्रैवल किया, कितनी स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ में गाइस ये बैटरी ऑपरेटेड रहता है और साथ ही साथ में ये भी बताता है कि आपने कितना ट्रैवल किया। और गाइस देखोगे इसकी प्राइस तो गाइस बहुत ज़्यादा सस्ती है, 350 रुपये में आप अपनी साइकिल में स्पीडोमीटर लगा सकते हैं जिससे आप अपनी ट्रैक कर सकते हैं आप कितना तेज चले। सो गाइज अब आते हैं सेकंड गैजेट पर। अगर सेकंड गैजेट आप देख सकते हो गाइज ये अगर आप यूज़ करते हो ना आपके पास लैपटॉप है, आपके पास फ़ोन भी है, अगर आप बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स और उससे जूझ रहे हो, अलग अलग आप यूज़ करते हो, अलग एक कार्ड रीडर, एक अलग पेन ड्राइव मतलब लगाने के लिए OTG यूज़ करते हो, फिर कार्ड रीडर्स यूज़ करते हो, फिर बड़े वाले कार्ड रीडर्स, तो गाइज उसका ये ऑल इन वन सोल्यूशन है। गाइज इसको आप अपने फ़ोन में भी लगा सकते हो, अपने PC में भी लगा सकते हो, इसमें गाइज आप बड़ा छोटा वाला जो माइक्रो SD आता है वो लगा सकते हो, कैमरे वाली मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, साथ ही साथ में गाइज इसमें आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, अगर आपको फ़ोन में लगा के इसमें पेन ड्राइव लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। अगर इस स्पीड की बात करें तो 3.0 है ये, और अगर इसके अंदर अपना हर तरह का कार्ड OTG मतलब HD आपको जिस तरीके से जो लगाना है आप वो इसके अंदर लगा सकते हो, एंड इसे आप मेन जो इसका फीचर ये है कि इसे आप फ़ोन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, एंड साथ ही साथ में आप इसे लैपटॉप के साथ भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको अलग से भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास एक ये गैजेट है ना तो आपको कोई भी अलग से एक बोल सकते हो OTG, एक कार्ड रीडर, एक छोटा वाला कार्ड रीडर, बड़ा वाला कार्ड रीडर कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। प्राइस की बात करूँ 540 रुपये, पता है थोड़ा महंगा है हाँ, लेकिन ये एल्यूमिनियम बिल्ड का, अगर थोड़ा सस्ता ढूंढोगे सस्ते में भी मिल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट गैजेट आता है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये है गाइस एक बोल सकते हो ऑर्गेनाइज़र है जो कि आपके जितने भी सारे गैजेट्स रहेंगे ना उनको ऑर्गेनाइज़ करेगा। गाइस मैं जो अपनी बहुत सारी केबल्स और बोल सकते हो बहुत सारी चीज़ें घुमाते रहता हूँ, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, इन केबल्स बहुत सारे मैं घुमाते रहता हूँ, तो गाइस उसके लिए बोल सकते हो आप एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। गाइस इसके अंदर आपको बहुत सारे पार्टीशन मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपना केबल रख सकते हो, अपनी बोल सकते हो पेन ड्राइव रख सकते हो, हार्ड डिस्क रख सकते हो, पावर बैंक रख सकते हो। गाइस इसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर बहुत कुछ रख सकते हो, आप देख सकते हो इसके अंदर मेमोरी कार्ड के अलग से पाउच दिया हुआ है। गाइस एक ना वेलक्रो बेस्ड है, तो अगर आप चाहो ना तो इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, मतलब वेलक्रो निकाल के आप इसकी स्टोरेज बढ़ा कम और इसके अंदर और सारे पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और गाइस देख सकते हो इसके अंदर आप एक टैबलेट भी वो कर सकते हो, कैरी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। गाइस मतलब स्टोरेज में कोई इशू नहीं, इसमें आपको स्टोरेज में बहुत सारी स्टोरेज आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं, बहुत तगड़ा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, और ये बोल सकते हो आप स्प्लिट प्रूफ भी है, देख सकते हो वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है ये। प्राइस की बात करूँ प्राइस 400 रुपये है, जो सबसे बहुत तगड़ा है। सो गाइस नेक्स्ट गैजेट आता है गाइस हमारे पास, वो है गाइस एक फ्लेक्सी पॉड। हाँ गाइस जैसे आप बोल सकते हो गोरिल्ला पॉड है, लेकिन ये मॉडर्न जमाने का गोरिल्ला पॉड है। गाइस होता क्या पता है, अगर आप एक बजट वाला गोरिल्ला पॉड लोगे ना तो बजट वाले गोरिल्ला पॉड के जो बॉल्स रहते हैं जिसके अंदर वो कनेक्टेड है जिसके तरह वो घूमता है वो गाइस एकदम ढीला हो जाता है कुछ टाइम बाद, जिससे होता है कि आपका कैमरे का वेट नहीं संभाल पाता, वो बार बार गिरने लग जाता है। लेकिन गाइस ये फ्लेक्सी पॉड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नहीं गिरता है, काफ़ी ज़्यादा टाइट रहता है, काफ़ी ड्यूरेबल रहता है, काफ़ी लंबा चलता है। और गाइस आप देख सकते हो उसको 360 आपको बॉल बेयरिंग वाला मूवमेंट मिलता है, मतलब आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में गाइस ये पूरी फ्लेक्सिबल रहता है, देख सकते हो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बॉल हेड इसके अंदर इसकी तरह यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में गाइस इसके अंदर आपको एक वो भी मिल जाता है, अब बोल सकते हो जो मोबाइल होल्डर होता है वो भी मिल जाता है, तो आप इसे अगर फ़ोन के साथ भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। और गाइस ये इतना अच्छा है ना कि कैमरे के साथ इसे आप यूज़ कर ही सकते हो, क्योंकि सस्ते वाले जो आते हैं गोरिल्ला पॉड उसके साथ आप कैमरा नहीं यूज़ कर सकते। सो गाइज हमारी लिस्ट में नेक्स्ट गैजेट है वो है गाइज एक सस्ते वाली रिंग लाइट। गाइज अगर आप वीडियोस बनाते हो, आप रील्स बनाते हो, आप यूट्यूबर हो या आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आपको पता है गाइज लाइट जो है वो वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मतलब जितनी ज़्यादा लाइट रहती है वीडियोज़ में उतनी अच्छी वीडियोज़ बनती है। तो अगर आप स्टार्टिंग के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है 4-5 हज़ार के रिंग लाइट खरीदने, तो गाइज आप इससे बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, प्राइस इसकी ज़्यादा नहीं, प्राइस 450 रुपये। और गाइज एक USB ऑपरेटेड है, तो मतलब अगर आप इसे लेके जैसे जो बड़े रिंग लाइट रहते हैं उसे आप लेके कैरी नहीं कर सकते, आप कैरी कर सकते हो और पावर बैंक से भी यूज कर सकते हो, क्योंकि गाइस ये USB ऑपरेटेड है। इसमें आपको बटन्स मिल जाते हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो, इसकी लाइट कंट्रोल कर सकते हो कि कितना आपको ब्राइट चाहिए, कितना डिम चाहिए। साथ ही साथ में गाइस आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि आपको लाइट येलोइश में चाहिए, एकदम व्हाइटिश चाहिए, मतलब आप ब्लू और जो
येलोइश बोलते हैं ना, उस टाइप में आपको किस में चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। और गाइज एक 10 इंच की है तो गाइज इतना भी कुछ बेकार नहीं है, 450 के रुपए के हिसाब से अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा। और गाइज ऊपर की तरफ बॉल हेड है तो आपको थोड़ा बहुत इसके एडजस्ट भी कर सकते हो। सो होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइज में पढ़ो क्या लिखा है। अब माँ का सम खाइए तो वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा एंड वीडियो में क्या पार्ट अच्छा लगा वो भी कमेंट कर देना। और अगर साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो उसका रीजन लिख के जाना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अपने आप को देख सकूँ और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ। और बस गाइस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।